हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह के फैसले ना आते, मैं देखता यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से अगले दो चार सालों में कोई भी बेरोजगार न रहता। अवामी जलसे में कश्मीरियों से यकजहती का इजहार, सिर में नवाज शरीफ के मुखालफीन पर वार, कहा पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है, वजीर आजम रहता तो ऐसा ना होता, एक फैसला अवाम से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। शेरों के कचार में जयालों की धार, पीपल्स पार्टी लाहौर में पावर शो के लिए तैयार, जलसागाह में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार, कारकुनान को सरदारी की तकरीर का इंतजार, मरकजी स्टेज के करीब नस्ब जंगला गिर गया, मुतादिद कारकुन जख्मी। ये जो गिरा है, जरा सारे कारकुन फौरी तौर पर, जो दोस्त जख्मी हुए हैं उनको बाहर निकालें। कराची के इलाके जमजमा में नामालूम अफराद की फायरिंग, चीनी बाशिंदा हलाक, फायरिंग की जद में आकर राहगीर जख्मी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में जेर तामीर मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर तीन मजदूर जा बहक और तीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजगोर के बाजार में रिमोट कंट्रोल धमाका, पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स जां बहक और सात जख्मी, पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला ने कमेटी को वजाहत दी, पीर हमीदुद्दीन सियालवी ने मुस्तरद कर दी, बोले कमेटी में हम मौजूद नहीं थे, नून लीग को वोट नहीं देंगे। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह की दफ्तर खारजा तलबी, सीज फायर वायदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज, मरासला थमा दिया, फायरिंग से दो अफराद शहीद हुए थे। भारतीय मजालिम के खिलाफ सेना सुपर कश्मीरी भाइयों से यकजहती, कराची के साहिल से खैबर के पहाड़ों तक रैलियां और सेमिनार, इंसानी हाथों की जंजीर, बैरून मुल्क भी भारतीय जारियत के खिलाफ मुजाहरे। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस का कत्ल, डकैती और फ्रॉड में मुलव्वस होने का इंकशाफ, 51 एहलकारों के खिलाफ 46 मुकदमा दर्ज। 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान और सबसे पहले बात करेंगे 5 फरवरी यानी यौमे कश्मीर के हवाले से। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का, जिन्होंने यौमे यकजहती कश्मीर के मौके पर मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब तो जरूर किया लेकिन कश्मीरियों पर बात करने से ज्यादा अपनी जात और हालात पर खिताब किया, कश्मीरियों की फिक्र से ज्यादा अदालती फैसले का जिक्र उनकी जुबान पर रहा। आइए आपको भी दिखाते हैं। क्यों निकाला का शिकवा नवाज शरीफ के दिल से नहीं दे रहा, पाकिस्तान को, कौम को। दिन था यौमे यकजहती कश्मीर का, मकाम था मुजफ्फराबाद, लेकिन नवाज शरीफ ने ये दिन और ये मकाम भी क्यों निकाला के नाम कर दिया। अगर नवाज शरीफ इस तरह के फैसले ना आते, कोई भी बेरोजगार ना रहता, सबके हाथ सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता, रहने के लिए छत होती, मकान होता और सबको इंसाफ मिलता, सस्ता इंसाफ। मेरे तो बड़े प्रोग्राम थे जिन पे पानी फिर गया, लेकिन कोई बात नहीं है, इंसान के खिलाफ इस तरह के फैसले आ जाते हैं।
ना कहते कहते भी नवाज शरीफ ने वही कुछ कहा जो मुसलसल जलसों में कह रहे हैं। अदालती फैसलों पर तनकीद। देखो मैं ना अहल करार दे दिया गया हूँ। आज यौमे कश्मीर है, आज मैं इस मौजू पे क्या बात करूँ। नवाज शरीफ का कहना था कि वो पाकिस्तान के लिए ना अहल हो गए हैं, लेकिन आजाद कश्मीर के लिए अहल हैं। मैं पाकिस्तान से डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, अहल हो गया हूँ, लेकिन आजाद कश्मीर के लिए तो अहल हूँ मैं। यहाँ पर तो ना अहल नहीं हुआ मैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कश्मीरियों से इजहार यकजहती भी, लेकिन मरियम नवाज का खिताब कश्मीरियों के इशू पर शुरू हुआ और उसी पर खत्म भी हुआ। दुआ करो इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आए कि हम श्रीनगर में सारे गुलामी से निजात का दिन मनाएं। मेरा दिल आपके साथ भी धड़कता है और उस कश्मीर में रहने वाले बहनों बुजुर्गों के साथ भी धड़कता है। इंशाल्लाह ताला एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी मकबूजा भाइयों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे आजाद कश्मीर के बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब वक्त बदल गया है, अब बंदूकों से गोलियों से अवाम के हकूक कश्मीरियों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान यौमे यकजहती पर भी यकजहती नजर न आई। लाहौर में दोनों जमातों के कारकुन लड़ पड़े। हर साल की तरह इस साल भी हमने कश्मीर पे सियासत की है। किशमात अपनी सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीआई ने अपनी रैलियां लगाई हैं, नून लीग अपनी लगाई है। और आपको बताएं कि रावला कोट में लाइन ऑफ कंट्रोल बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियार जारी है। भारतीय फौज मंडोल और बटल की सिविल आबादी को निशाना बना रही है। पाक फौज भारतीय गोलाबारी का मुअस्सर जवाब दे रही है। आपको एक बार फिर अपडेट करें, भारतीय जारियत जो कि जारी है रावला कोट में, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी इस वक्त जारी है और भारतीय फौज मंडोल और बटल की सिविल आबादी को निशाना है। पाक फौज भारतीय गोलाबारी का मुअस्सर जवाब भी दे रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे रियाज शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी रियाज शाहिद, बताइए गोलाबारी कब से जारी है और कोई जख्मी तो नहीं हुआ अब तक, कुछ अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त जो रोड पहुंच मडोल बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की तरफ से बड़े हथियारों से फायरिंग की जा रही है और इस वक्त खौफनाक मंजर है कि इससे पहले वहां पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि 10-15 सालों से जो फायरिंग का सिलसिला जारी है उसमें ऐसी फायरिंग नहीं देखी और इस वक्त जो फायरिंग भारत की तरफ से की जा रही है उसकी तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर आवाजें सुनाई दे रही हैं। अभी तक हमारे पास कोई उस तरह जख्मी या नुकसान की इतलात इसलिए नहीं आ सकती कि आवाम जो है ना मुकम्मल तौर पर महसूर होकर रह गए। आज 5 फरवरी आज का दिन जो कि इस वक्त मंसूब है कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी के हवाले से और भारतीय फौज रावला कोट में आज पोल पे मुसलसल दहशतगर्दी जो है वो दिखा रही है, जारियत दिखा रही है और बटल सेक्टर भी इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। रियाज शाहिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला भी का मकबूजा वादी में आज भी कर्फ्यू का समा है। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक कहते हैं कि भारतीय मुजालिम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को दबा नहीं सकती। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिन महीने साल बदले मगर ना बदला का रवैया, भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नजीर वादी कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। मकबूजा वादी में आज भी कर्फ्यू का समा है। काबिज फौज ने पहरा सख्त कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक समेत हुर्रियत रहनुमा ताहाल नजरबंद हैं। श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के हर हिस्से में कश्मीरी भारतीय मजालिम के खिलाफ सरापा है। इनकी जबान पर बस एक ही नारा है कि कश्मीर को आजादी दो।
यौम यकजहती कश्मीर पर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने मसला कश्मीर उठाने और कश्मीर की हिमायत जारी रखने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।